गुमला सरकार एक तरफ नशा मुक्ति को लेकर दीवार लेखन नुक्कड़ नाटक के साथ साथ कई तरह के जागरूकता अभियान भी चला रही है। नशा पान के दौरान हिंसक घटना की रोकथाम सरकार और प्रशासन सभी जगहों पर कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन को हत्या जैसी वारदात मानो मुंह चिढ़ा रही है, लेकिन सरकार हो या प्रशासन इस तरह की घटना की रोकथाम के लिए किए ठोस कदम नहीं उठाया। मामला गुमला जिले के सदर थाने क्षेत्र के कोटाम चौहरू गांव का है, जहां गलुवा उर्राव में अपनी 40 वर्षीय पत्नी फुलमणि देवी की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि घटना देर रात की बताई जा रही है। हालांकि घटना के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों ने आरोपी पति गलुवा उर्राव को बुरी तरह से पीटा। इसके बाद घटना की सूचना गुमला पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस गांव नहीं पहुंची। इसके बाद देर रात्रि में परिजन ऑटो में शव को लेकर सदर अस्पताल गुमला पहुंचे। यहाँ भी दिन लोग लड़ाई कभी कभी होते रहता था और होते रहता था कभी कभी, किसी ने भी अचानक मार दिया कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते हुए नशा वशा तो पीता था, लड़ाई झगड़ा होता था कभी कभी, और अचानक पीछे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर टांग से कतल कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? वीर साहिब राव।